हेलो बच्चों, आप सभी का स्कॉलर क्लासेस में स्वागत है। पिछली वीडियो में जो है हमने पढ़ा था बायोलॉजी के पोर्शन को, जिसमें हमने जो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, जो पार्ट फर्स्ट था। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट सेकेंड को। तो देखिए, इस वीडियो को जो है आप अगर देखते हैं तो जो भी वीडियो आगे अगर आते हैं तो उसको भी देखा करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। चाहे वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो आप कोई नीट का प्रिपरेशन करते हो उसके लिए, तो आप वीडियो में जो है वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पक्का जो है इस चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज जो है हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी। पिछली वीडियो में जो है हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। उसमें मैंने बताया था कि कैसे जो है डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, उसके डिफिनीशन के बारे में मैंने बताया था। फिर इसके अलावा मैंने बताया था कि जब बायोडाइवर्सिटी होता है तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले उसके कैरेक्टर के बेस पे आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है उसका, और क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया जाता है तो उसमें कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ इंटरनल कैरेक्टर, कुछ एक्सटर्नल कैरेक्टर, उसके बेस पे उनको आइडेंटिफाई करके उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। और जैसे ही क्लासिफिकेशन हो जाता है तो फिर मैंने बताया था कि उनका जो है नॉमिनक्लेचर किया जाता है, मतलब नामकरण होता है। नॉमिनक्लेचर में मैंने क्या बताया था कि कैसे जो है उनका नाम रखा जाता है, जिसमें हमने दो तरह के नाम पढ़े थे। पहला जो नाम था जिसको हमने कॉमन नाम दिया था, और दूसरा जो नाम होता है जिसको हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। कॉमन नेम जैसे हमने देखा था कि रोज जो होता है जिसको हम हिंदी में गुलाब कहते हैं, और इसके अलावा उसको जो है गुजराती में जो है गुलाब कहते हैं, और तमिल में जो है रेजपो कहते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज में इसका अलग अलग नेम है जिसको हम कॉमन नेम के नाम से जानते हैं। फिर मैंने बताया था कि इस वजह से, अलग अलग नाम की वजह से इसको एक नाम दिया जाए, तो इसके लिए विचार किया गया और इस नाम को बोला गया साइंटिफिक नेम। तो इसको जो है जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, उनके द्वारा जो है एक सिंगल नेम को रखा गया किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम को, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो उनका एक साइंटिफिक नेम रखा गया। तो उसमें मैंने बताया कि अगर कोई प्लांट है तो उसका नाम जो था उसको हम बॉटनिकल नेम कहते हैं, और अगर कोई एनिमल है तो उसको हम जूलॉजिकल नेम से के नाम से जानते हैं। तो आज इस चैप्टर में उसी के आगे हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। तो देखिए, टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें, टैक्सोनॉमी होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, तो ये जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेस पे उनको जो है डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई करना, यही कहलाता है क्या, टैक्सोनॉमी। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टर के बेस पे, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेस पे डिफरेंट टैक्सा में क्या करना, क्लासिफाई करना, यही कहलाता है क्या, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी एक साइंस का ही ब्रांच है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है डिफरेंट टैक्सा में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की, किसने जो है टैक्सोनॉमी को दिया था,
तो फादर ऑफ अगर हम टेक्सोनॉमी की बात करें तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस ने जो है, या कैरोलस लिनियस को हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं, कैरोलस लिनियस, इनको जो है हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम सिंपल वर्ड में जो है टेक्सोनॉमी के डेफिनेशन को जाने, तो हम ऐसे कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है कैरेक्टराइजेशन करना, या कैरेक्टर के बेस पे, या उनका आइडेंटिफिकेशन करना, या फिर उनका क्लासिफिकेशन करना और उनका नोमेनक्लेचर करना, यही सारा जो है इंक्लूड होता है टेक्सोनॉमी में। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं टेक्सोनॉमी जो है वो बेस्ड होता है किस पे, किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे, या आइडेंटिफिकेशन, या क्लासिफिकेशन, या नोमेनक्लेचर, ये सभी इंक्लूड होते हैं किसके अंदर, टेक्सोनॉमी में। तो हम ऐसे कह सकते हैं कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द बेस ऑफ टैक्सोनॉमी। तो जो भी क्लास कैरेक्टराइजेशन होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, उसका आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ये सभी जो है एक टैक्सोनॉमी के ही बेस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो ये था टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन। अब अगर हम बात करें तो एक और यहाँ पे टर्म आता है जिसको हम नाम देते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। देखिए ये सारा कुछ जो है आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें आपको लाइन बाय लाइन मिलेगी। तो ये जो है पूरा जो जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पे बेस्ड ही है, और आपको जो है इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिएगा, अगर हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी की बात करें, मॉडर्न टैक्सोनॉमी होता क्या है, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं इस टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके एक्सटर्नल का मतलब बाहर के किसी कैरेक्टर से है। मतलब अगर हम किसी प्लांट को लें तो उसका स्टेम कैसा है, उसके लीफ कैसे हैं, उसके जो है रूट्स कैसे हैं, इसको हम देख के जो है उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर की बात करेंगे। और अगर हम इंटरनल की बात करें तो उसके लीफ के सेल्स कैसे हैं, सेलुलर पार्ट कैसा है, या उसके स्टेम का सेलुलर पार्ट कैसा है, या उसके रूट का सेलुलर पार्ट कैसा है। सेलुलर पार्ट का मतलब क्या कि उस प्लांट के उस पार्ट को लिया जाए और उसका सेक्शन कटिंग किया जाए और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाए, तो उसकी एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है इस बेस पे, या उसके अंदर सेल कैसे हैं, या स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स कैसे हैं इस बेस पे, या उनमें डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसे होता है, या हम सीधा सीधा कह सकते हैं एक टर्म कह सकते हैं एम्ब्रियोलॉजी, या उनमें जो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, ये सारे जो हैं ये बेस्ड होते हैं, ये सारे इंक्लूड होते हैं किसमें, मॉडर्न टैक्सोनॉमी में। तो सीधा सीधा मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो है वो किस किस चीज़ पे बेस है, तो अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, या एम्ब्रियोलॉजी, या हम कहेंगे इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सारे जो है बेस्ड हैं किसके, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के। तो हम ऐसे कह सकते हैं एक्सटर्नल, अच्छा एक्सटर्नल को एक और हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी कॉमा इंटरनल, इसको हम कहते हैं एनाटॉमी कॉमा स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स कॉमा डेवलपमेंटल प्रोसेस
मेंटल प्रोसेस। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स का मतलब है सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और सेल्स की जो स्टडी होती है उसको हम एक साइंस के ब्रांच में करते हैं जिसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। तो इसका मतलब सीधा सीधा किससे, साइटोलॉजी से। डेवलपमेंटल प्रोसेस, इसका सीधा सीधा मतलब एम्ब्रियोलॉजी से। अच्छा एम्ब्रियोलॉजी क्या है, तो एम्ब्रियोलॉजी में हम सीधा सीधा कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसकी जो स्टडी होती है वो किस में हम करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में। इसके अलावा इकोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर द बेस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो अगर हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी की बात करें, इस मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या होता है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल इंटरनल या उसके सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है या उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है या उनके जो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होते हैं, इन सब पे, इन सब के बेस जो होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी चीज़ें किसमें इंक्लूड हैं, जो है मॉडर्न टैक्सोनॉमी में। तो इस तरह से हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी को देखें। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, और ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टैक्सोनॉमी में ही इंक्लूड है। तो क्या होते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है या नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो देखिए अगर हम बात करें टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की, टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या होता है, टैक्सोनॉमी कैटेगरी ये भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, तो आप आसानी से यहाँ पे समझ सकते हो। देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई किया जाता है या जब उनको डिफरेंट या जब उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो उस कंडीशन में उस ऑर्गेनिज्म का एक टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट किया जाता है, और इस टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट में उस ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरी में रखा जाता है। और यही जो होता है टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट कैटेगरी, इसी को हम नाम देते हैं क्या, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन होता है वो एक सिंगल स्टेप नहीं होता, ये कई सारे स्टेप में होते हैं। तो इसमें जब किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उनको जो है एक कैटेगरी में ना रखे, उनको छोटे छोटे कई सारे कैटेगरी में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, और यही सारे कैटेगरी जो है मिलकर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को बनाते हैं। तो अगर हम बात करें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, तो हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉट सिंगल स्टेप। तो जो क्लासिफिकेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो एक सिंगल स्टेप नहीं होता, ये कई सारे स्टेप में होते हैं। और अगर हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है उनका जो अरेंजमेंट है उनको डिफरेंट कैटेगरी में रखना, ये टैक्सोनॉमी कैटेगरीज कहलाता है।
अब अगर हम बात करते हैं ये सभी कैटेगरी जो है एक साथ मिलके जो है टेक्सोनॉमिक हायरार्की को बनाते हैं। तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है कि बहुत सारे जब टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है मिलते हैं तो वो बनाते हैं किसको, टेक्सोनॉमिक हायरार्की को। तो हम ऐसे कह सकते हैं ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो सीधा सीधा जितने भी कैटेगरी होते हैं जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है वो सभी मिलकर टैक्सोनॉमिक हायरार्की को हम कहते हैं। तो अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या क्या होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को दो तरह से हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अर्थ पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, एक जो होता है जिसको हम प्लांट कहते हैं और दूसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल। तो एनिमल के लिए अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है और प्लांट के लिए अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। तो दोनों के लिए हम पढ़ते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें किसकी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो इसमें देखिएगा अगर हम किसी प्लांट की बात करते हैं, फॉर प्लांट्स, तो इसका एक अलग कैटेगरी होता है, और अगर हम किसी एनिमल की बात करते हैं, फॉर एनिमल, तो उसका एक अलग जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है। क्या क्या कैटेगरी होती हैं इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला, अच्छा देखिए ये जो कैटेगरी होती है या तो असेंडिंग में या तो फिर डिसेंडिंग में, तो हम पढ़ेंगे किसको, हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको देखते हैं। तो कैसे होता है देखिएगा, प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, किंगडम। ये बहुत ही आसान है, आप एक बार इसको याद कर लोगे बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा जो होता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिवीजन। तीसरा जो होता है उसको हम नाम देते हैं क्या, क्लास। चौथा जो होता है उसको हम नाम देते हैं ऑर्डर। फिर होती है क्या, फैमिली। फिर होता है जीनस, और फिर होता है क्या, स्पीसीज। तो देखिएगा, तो कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी प्लांट का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसमें बहुत सारे कैटेगरी आपको मिलते हैं। जैसे सबसे पहला जो कैटेगरी होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, किंगडम। दूसरा जो होता है जिसको हम नाम देते हैं डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। अब इनको हम देखें तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में देखें, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, बढ़ते क्रम में, तो इसमें जो सबसे छोटा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्या, स्पीसीज। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो स्पीसीज के बाद जो दूसरा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्या, जीनस। और फिर जीनस के बाद क्या होता है, फैमिली। और फिर फैमिली के बाद क्या होती है, क्लास। फिर क्लास के बाद क्या होता है, डिवीजन। और फिर डिवीजन के बाद क्या होता है, किंगडम। तो यहाँ पे देखिएगा प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है क्या क्या आए हैं, सबसे छोटा जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है जिसको हम कहते हैं स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर डिवीजन, फिर किंगडम। तो सबसे बड़ा जो कैटेगरी है या लार्जेस्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें या सबसे बड़ी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उसको नाम देते हैं हम क्या, किंगडम। और सबसे छोटे कैटेगरी की बात करें तो उसको हम नाम देते हैं क्या, स्पीसीज। तो किसी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे छोटा कैटेगरी जो होता है स्पीसीज होता है और सबसे बड़ा कैटेगरी क्या होता है, किंगडम होता है। तो फिर से हम देखते हैं किसी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या क्या होती है, सबसे पहले किंगडम, फिर उसके नीचे डिवीजन, फिर उसके नीचे क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। अब अगर हम देखते हैं एनिमल के लिए, एनिमल में कौन कौन से कैटेगरी आते हैं, तो एनिमल में जो है, एनिमल में सब कुछ सेम रहता है, केवल यहाँ पे जो है डिवीजन चेंज हो जाता है, क्योंकि एनिमल के कंडीशन में डिवीजन की जगह हम एक वर्ड यूज करते हैं
जिसको हम कहते हैं फैमिली। तो क्या क्या होता है, तो इसमें भी सबसे पहले क्या होगा, किंगडम, फिर क्या होगा, फाइलम। देखिएगा डिवीजन के जगह यहाँ पर क्या हो जाता है, फाइलम, फिर क्या होता है, क्लास, फिर क्या होता है, ऑर्डर, फिर क्या होता है, फैमिली, फिर क्या होता है, जीनस, और फिर क्या होता है, स्पीसीज। अब हम असेंडिंग ऑर्डर देखें इसका, तो सबसे छोटा क्या होता है, स्पीसीज, सबसे स्मॉल वाला टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे छोटा पार्ट कौन है, स्पीसीज, फिर उसके बाद क्या आता है, जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। बहुत ही आसान है, आप याद कर सकते हो। तो देखिएगा किंगडम आप एक याद करो और कितना, केवल इतना याद रखो कि किंगडम के बाद जो पार्ट आएगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे, किंग, अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो किंगडम के बाद आता है डिवीजन, तो प्लांट के लिए डिवीजन वर्ड यूज होता है और एनिमल के लिए फाइलम वर्ड यूज होता है। तो किंगडम सबसे बड़ा, उससे छोटा डिवीजन, अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो किंगडम बड़ा, उससे छोटा डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, और फिर क्या होता है, स्पीसीज। तो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें, घटते क्रम की बात करें, तो घटते क्रम में सबसे पहले ऊपर सबसे बड़ा, फिर नीचे सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा किंगडम, फिर डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। इसी तरह हम प्लांट की बात करें तो सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है, किंगडम, और सबसे छोटा क्या होता है, स्पीसीज। तो अगर हम इसमें देखें, तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में देखें, असेंडिंग ऑर्डर में का मतलब क्या है, बढ़ते क्रम, पहले सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। अब इसमें देखिए चेंज क्या था एनिमल में, पहले किंगडम फिर फाइलम, मतलब वहां पे प्लांट में डिवीजन और इस डिवीजन की जगह एनिमल में फाइलम। तो सबसे बड़ा किंगडम और सबसे छोटा क्या, स्पीसीज। तो ये होते हैं कि इसको हम कहते हैं क्या, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अच्छा देखिए, अब इसमें जो है अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक टर्म आता है टेक्सोनॉमिक हायरार्की या हायरार्कियल अरेंजमेंट। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट शो कर रहा है, या जो मैंने एरो लगाया है, एरो में हमने जो है असेंडिंग ऑर्डर की तरफ लगाया, मतलब बढ़ते क्रम, पहले सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा। तो इसको हम कह सकते हैं, इस पूरे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम कह सकते हैं कि ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है ये शो कर रहा है हायरार्कियल अरेंजमेंट को, और किस तरफ, तो इन असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि हमने सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा देखा है। तो हम एक और पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस हायरार्कियल हायरार्कियल अरेंजमेंट शोज असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में है, सबसे छोटा फिर हमने देखा था क्या, सबसे बड़ा। तो ये है किसके बारे में, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में। अब देखिए एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं टेक्सोन। तो टेक्सोन होता क्या है, इसको हम समझते हैं, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेक्सोन को। तो देखिए अगर हम बात करें टेक्सोन की, टेक्सोन होता क्या है, तो इसको हम एक लाइन में कह सकते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। किसी भी क्लासिफिकेशन का जो यूनिट होता है उसी को हम नाम देते हैं क्या, टेक्सोन। तो देखिए हम टेक्सोन को देखते हैं क्या होता है, तो इसको हम एक लाइन में कह सकते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसी को नाम दिया जाता है क्या, टेक्सोन। या हम कह सकते हैं टेक्सोन होता क्या है कि सीधा सीधा ये जो है एक ऐसे ग्रुप को क्या करता है, रेफर करता है, जिसमें कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं
जो जेनेटिकली कैरेक्टर कुछ ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा वे जो हैं वे ग्रुप कुछ ऐसे भी कैरेक्टर को रखते हैं जो कुछ अदर ग्रुप वाले ऑर्गेनिज्म से क्या होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि टेक्सॉन जो होता है एक ऐसे ग्रुप को रेफर करता है जिसमें कुछ कैरेक्टर जो होते हैं उसी तरह के ग्रुप में जेनेटिकली जो होता है वो रिलेटेड होता है, या सेम सेम कैरेक्टर जो है जेनेटिक कैरेक्टर जो है उनमें सेम सेम होता है। लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हैं जो अदर ग्रुप वालों से क्या करता है उसको अलग करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन जो है एक तरह का मैमल्स है, क्योंकि ये किसी भी जो है ये किसी भी हम कह सकते हैं किसी भी चाइल्ड को बर्थ करता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि अगर हम किसी व्हेल मछली की बात करें, तो व्हेल मछली भी क्या है एक तरह का क्या है एक ये भी चाइल्ड बर्थ को करता है और ये भी एक तरह का क्या है मैमल है। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं इसमें हमने देखा कि जो व्हेल मछली है वो भी चाइल्ड को बर्थ कर रहा है, जो मैमल्स जो ह्यूमन है वो भी चाइल्ड को बर्थ कर रहा है। तो ये जेनेटिकली दोनों एक दूसरे से क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन कुछ और ग्रुप की अगर हम बात करें, जैसे हम चिड़िए की किसी की बात करते हैं या किसी बर्ड की बात करते हैं, तो उनका जो होता है वो अलग हो जाते हैं। तो इसमें जो मैमल्स टर्म है उस टर्म को हम कह सकते हैं टेक्सॉन। तो टेक्सॉन जो होता है हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि एक ऐसा ग्रुप होता है कि उसी ग्रुप के कुछ और भी मेंबर हैं जिनमें जेनेटिक कैरेक्टर सेम होते हैं, लेकिन किसी अलग ग्रुप की अगर हम बात करें तो उनसे कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो उनसे डिफरेंट करता है उनको। तो हम इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेक्सॉन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल इंडिविजुअल हैविंग सर्टेन कैरेक्टर सर्टेन कैरेक्टर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ अदर ग्रुप। तो टेक्सॉन जो होता है एक ग्रुप को रेफर करता है जिसमें कुछ सिमिलर जेनेटिकली रिलेटेड जो है कैरेक्टर होते हैं किसी इंडिविजुअल के अंदर, और इसके अलावा कुछ ऐसे भी कैरेक्टर होते हैं जो अदर ग्रुप से इसको क्या करता है अलग करता है। अब अगर हम बात करें तो टेक्सोनॉमी को जो है या टेक्सॉन जो टर्म है टेक्सॉन टर्म को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ए टेक्सॉन डील्स विथ रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। मतलब जो ये जो टेक्सॉन होता है वो किसी रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को क्या करता है रेफर करता है या बताता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ए टेक्सॉन डील्स विथ रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेक्सॉन जो है ये किसी भी रैंकिंग से भी बिलोंग कर सकता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं टेक्सॉन में भी टेक्सॉन में बिलोंग टू एनी रैंकिंग। जैसे हम एग्जांपल में देखें तो अगर आप बात करते हो ह्यूमन की, तो ह्यूमन में देखें अगर हम, तो ह्यूमन का जो टेक्सॉन होता है उसको हम कहते हैं क्या मैमल्स। तो जो मैमल्स है वो मैमल्स शो कर रहा है किसको टेक्सॉन को। अच्छा देखिएगा जो वेल मछली है, या वेल मछली के अलावा और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई बैट, तो बैट भी एक तरह का
जो बैट है वो भी एक तरह का क्या है, मैमल है। तो इस बैट का जो टेक्सॉन है वो क्या है, मैमल। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम लें, अगर हम स्नेक की बात करें या क्रोकोडाइल की बात करें, तो ये दोनों जो हैं इनका जो टेक्सॉन होता है वो होता है क्या, रिप्टाइल्स। ये दोनों रिप्टाइल्स हैं, इसको हम हिंदी में सरीसृप कहते हैं, रेंगने वाले जीव। तो इस तरह से जो है टेक्सॉन जो होता है किसी भी क्लासिफिकेशन का एक हम यूनिट कह सकते हैं, जो एक रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को क्या करता है, शो करता है। अब हम बात करते हैं कॉमन कैटेगरी की। कॉमन कैटेगरी होता क्या है, अगर हम कॉमन कैटेगरी की बात करें तो सीधा सीधा किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसको अभी हमने देखा डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में रखा जाता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है वो हमेशा किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के हायरार्कियल जो है क्लासिफिकेशन को शो करता है, और इसी को हम कॉमन कैटेगरी कहते हैं। तो देखिएगा कॉमन कैटेगरी के बारे में, कॉमन कैटेगरीज, तो हम ऐसे कह सकते हैं द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच आर ऑलवेज यूज्ड इन हायरार्कियल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कॉमन कैटेगरीज। तो सीधा सीधा किसी भी टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट जो होता है वो हमेशा किसी हायरार्कियल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, रखता है, या हम कैसे कहें द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी विच आर ऑलवेज यूज इन हायरार्कियल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसी को हम कहते हैं क्या, कॉमन कैटेगरीज। अब अगर हम देखें तो ये कॉमन कैटेगरीज कितने होते हैं, तो अभी हमने एक और पढ़ा है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो 7 in number में था। अब ये 7 in number में दो तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर हम पढ़ेंगे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर हम बात करते हैं इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर की, या हम ऐसे कह सकते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में, इन डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें, तो इसमें हमने देखा था डिसेंडिंग ऑर्डर में जो कॉमन कैटेगरी होता है, सबसे पहला जो कैटेगरी होता है जिसको हम कहते हैं क्या, किंगडम। उस किंगडम के बाद दूसरा जो कैटेगरी होता है जिसको हम कहते हैं डिवीजन, या उसी को हम नाम देते हैं क्या, फाइलम। फिर उसके बाद होता है क्लास, फिर उसके बाद होता है ऑर्डर, फिर उसके बाद होता है फैमिली, फिर जीनस, और फिर होता है क्या, स्पीसीज। तो देखिए सबसे जो बड़ा होता है वो, अच्छा हमने डिसेंडिंग की बात की घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा किंगडम, फिर उससे छोटा डिवीजन या फाइलम। अच्छा डिवीजन किसके लिए, ये होता है प्लांट के लिए, और फाइलम किसके लिए, एनिमल के लिए। फिर क्लास के बाद ऑर्डर, फिर ऑर्डर के बाद फैमिली, फिर फैमिली के बाद जीनस, फिर जीनस के बाद स्पीसीज। और एक चीज और मैंने बताया कि जो सबसे बड़ी कैटेगरी होती है वो कौन है, किंगडम, ये लार्ज कैटेगरी, और सबसे छोटी कैटेगरी कौन होती है, वो स्पीसीज। तो ये होता है कॉमन कैटेगरी के बारे में। तो कॉमन कैटेगरी कितने होते हैं, 7, कौन कौन से, देखिएगा किंगडम, सॉरी यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक है, किंगडम, फिर
फिर डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। लेकिन अगर एनिमल की बात करें तो डिवीजन की जगह क्या टर्म यूज होता है? फाइलम। अब अगर हम बात करते हैं एक छोटे से कैटेगरी की जिसको हम कहते हैं स्पीशीज, तो स्पीशीज होता क्या है अगर हम इसकी बात करें तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं एक ऐसा ग्रुप या किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप जो कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज को रखता है, इसी को हम नाम देते हैं क्या? स्पीशीज। तो हम एक एक करके एक छोटे छोटे जो है कैटेगरी को हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किसको? स्पीशीज को। स्पीशीज होता क्या है, क्या इसके कैरेक्टर होते हैं या किसे हम स्पीशीज कहते हैं? तो पहला जो है, पहला जो कैटेगरी है जिसको हम नाम देते हैं क्या? स्पीशीज। तो 7 कैटेगरी है। तो स्पीशीज की अगर हम बात करते हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप जिसमें हम कह सकते हैं जो किसी फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ को रखते हैं या जिनके अंदर कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ पाई जाती है, उन्हीं को हम नाम देते हैं क्या? स्पीशीज। तो एक ऐसा ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर पाए जाते हैं या कुछ फंडामेंटल सिमिलर कैरेक्टर पाए जाते हैं, उसी को हम नाम देते हैं स्पीशीज। लेकिन इसमें जो एक इंडिविजुअल है इस ग्रुप के अंदर, किसी दूसरे इंडिविजुअल से वो हमेशा जो है डिफरेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छा किस बेस पे? मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट के बेस पे। मतलब उनमें कुछ ऐसे भी कैरेक्टर होने चाहिए उस ग्रुप के अंदर, एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल की तुलना में, कि उनमें कुछ ऐसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होने चाहिए जिस बेस पे उन दोनों में डिफरेंस किया जा सके। मतलब या तो उनके उनके लीफ के स्ट्रक्चर में, या फिर उनके उनके हम कह सकते हैं स्टेम के स्ट्रक्चर में, या फिर हम कह सकते हैं उनके रूट के स्ट्रक्चर में। तो जब इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे तो इसी को हम नाम देते हैं क्या? स्पीशीज। और स्पीशीज जो होता है एक छोटा, हम कह सकते हैं छोटा रैंक होता है या सबसे लोवेस्ट या सबसे बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। कभी कभी पूछ लेता है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे बेसिक कैटेगरी कौन सी है, तो वो कौन सा होता है? स्पीशीज। तो देखते हैं हम स्पीशीज होता क्या है। तो हम ऐसे कह सकते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर्ड ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज ए स्पीसीज। तो एक ऐसा ग्रुप जिसमें कोई जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं, इसी को हम टर्म को हम नाम देते हैं क्या? स्पीसीज। लेकिन इस ग्रुप में जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से हमेशा जो है कुछ डिफरेंट होना चाहिए। किस बेस पे? मॉर्फोलॉजिकल बेस पे। तो उनमें कुछ मॉर्फोलॉजी जो होती है हमेशा उसमें डिफरेंट होनी चाहिए, इसी को हम नाम लेते हैं क्या? स्पीशीज। तो एक और हम लाइन कह सकते हैं वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो इसमें जो है एक स्पीसीज जो है
हम उसे जो रिलेटेड जो क्लोजली स्पीसीज होता है वो हमेशा उसमें जो है डिफरेंस होना चाहिए, किस बेस पे? मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेस पे। इसके अलावा स्पीसीज जो होता है, स्पीसीज को कंसीडर किया गया है सबसे लोवेस्ट या सबसे बेसिक कैटेगरी में, तो हम ऐसे कह सकते हैं स्पीसीज इज कंसीडर्ड एज द लोवेस्ट और बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो सबसे जो बेसिक या सबसे लोवेस्ट जो कैटेगरी होती है वो कौन सी होती है? वो स्पीसीज होती है। अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे हम स्पीसीज को समझेंगे, तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू जो है हम समझ सकते हैं। जैसे अगर हम देखें, हम एक एग्जांपल लेते हैं मैंगो। देखिए, मैंने बताया था मैंगो का एक एक जो है एक नाम होता है, साइंटिफिक नेम, जिसको हम नाम लेते हैं क्या, मैंगी फेरा इंडिका। देखिएगा, तो देखिए मैंगो का जो बॉटनिकल नेम होता है मैंगी फेरा इंडिका। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने एक चीज़ बताया था, रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखते हैं तो उसमें दो नाम होते हैं, इसीलिए बाइनोमियल टर्म दिया गया है। पहला जो नाम होता है उसको हम कहते हैं जीनस, और दूसरा जो नाम होता है उसको हम कहते हैं क्या, स्पीसीज। जिसमें हमने देखा ये क्या है, जीनस, और ये क्या है, स्पीसीज। और फिर मैंने बताया था रूल्स क्या होता है कि जो जीनस होता है उसका जो जो मैंगी फेरा जो वर्ड है उस वर्ड में जो पहला लेटर है एम, वो हमेशा किस में होता है, कैपिटल में। और जो दूसरा जो वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं स्पीसीज, उसमें सभी जो लेटर हैं वो सभी क्या होते हैं, स्मॉल लेटर में, और दोनों के नीचे अंडरलाइन की जाती है। तो ये होता है रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमने देखा क्या कि मैंगो का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है मैंगी फेरा इंडिका, और इसमें जो मैंगी फेरा है वो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या, स्पीसीज को। अब अगर हम देखें तो इसमें जो इंडिका है वो एक तरह का किसको, ये शो कर रहा है किसको, स्पीसीज को। लेकिन इसी तरह एक और एग्जांपल लें हम पोटैटो की बात करें, जिसको हम आलू कहते हैं, तो इसका एक बॉटनिकल नेम होता है जिसको हम कहते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम। देखिएगा, सोलेनम ट्यूबरोसम जिसको हम पोटैटो कहते हैं, इसमें सोलेनम क्या है, एक जीनस, ट्यूबरोसम क्या है, एक स्पीसीज। इसी तरह अगर हम बात करें लायन की, तो लायन का जो जूलॉजिकल नेम होता है उसको हम कहते हैं पैंथेरो लियो। ये है जीनस और यह है क्या, स्पीसीज। तो इसमें हम अगर हम देखें तो इसमें जो इंडिका मैंगो के अंदर, ट्यूबरोसम पोटैटो, और जो लायन है उसमें जो लियो है, तो इंडिका ट्यूबरोसम और लियो ये तीनों जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, स्पीसीज को। जबकि जो मैंगी फेरा है, सोलेनम है, और जो पैंथेरो हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सभी रिप्रेजेंट करते हैं जीनस को। अब अगर हम देखें तो जो जीनस होता है वो जीनस, उस जीनस के जो हैं कभी कभी एक से ज़्यादा जो है वो स्पीसीज होते हैं। मतलब उसमें जीनस सेम होंगे लेकिन स्पीसीज क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल में अगर हम देखें तो जैसे हमने देखा पोटैटो का जो बॉटनिकल नेम होता है उसको हम कहते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम। एक और होता है जिसको हम कहते हैं ब्रिंजल, इसको हम बैगन कहते हैं। इसका एक बॉटनिकल नेम होता है उसको हम कहते हैं सोलेनम मिलोजिना। तो यहां देखिएगा, सोलेनम जो है वो क्या है, जीनस, और मिलोजिना क्या है, स्पीसीज।
तो अभी हमने देखा कि पोटैटो में सोलेनम था ट्यूबरोसम, और ब्रिंजल का बॉटनिकल नेम होता है सोलेनम मिलोजीना। तो इसमें जीनस तो सेम है लेकिन स्पीसीज क्या है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम एक और टर्म कह सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कोई भी जीनस जो है एक या एक से ज़्यादा जो है ऐसे स्पीसीज को रखता है जिसमें वो दोनों क्या होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, या उसके हम जीनस सेम होते हैं और उनके स्पीसीज क्या होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ऐसा इनमें पाया जाता है। जैसे हम एक और एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें टाइगर की, तो टाइगर का जो बॉटनिकल नेम होता सॉरी जो जो जूलॉजिकल नेम होता है उसको हम कहते हैं पैंथेरो टाइग्रिस। तो यहां देखिएगा, यहां भी पैंथेरो यहां भी पैंथेरो, लायन जिसको हम शेर कहते हैं, टाइगर जिसको हम बाघ कहते हैं। तो लायन का जो जूलॉजिकल नेम होता है उसको हम कहते हैं पैंथेरो लियो, और जो टाइगर का जो जूलॉजिकल नेम होता है उसको हम कहते हैं पैंथेरो टाइग्रिस। तो जो पैंथेरो जो है वो क्या है जीनस, तो जीनस तो सेम है लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पीसीज की तो वो दोनों क्या है डिफरेंट है। यहाँ पे लियो है पैंथेरो लियो जो लायन का जूलॉजिकल नेम है, और पैंथेरो टाइग्रिस जो टाइगर का जूलॉजिकल नेम है। तो यहाँ से हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी जीनस जो होता है कभी कभी एक या एक से ज़्यादा स्पीसीज एपिथेट को रखता है। तो ये था स्पीसीज के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो है कैटेगरी को पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं जीनस। देखिए जीनस की अगर हम बात करें तो जीनस को जो है सबसे पहले जो जीनस टर्म दिया था उनका नाम था जॉन रे। तो जॉन रे ने जो है सबसे पहले जीनस टर्म को दिया था। और अगर हम बात करते हैं जीनस होता क्या है, तो किसी भी स्पीसीज से रिलेटेड एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो किसी अदर स्पीसीज के जनरा के साथ क्या करता है वो कॉमन होता है, या उसके अंदर दोनों के अंदर कॉमन होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं जीनस कंप्रिजेस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जनरा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी स्पीसीज का एक ऐसा ग्रुप या उससे रिलेटेड एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे कॉमन कैरेक्टर पाए जाते हैं जो किसी अदर जनरा के स्पीसीज में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसकी बात करते हैं, तो जैसे अगर हम बात करें पोटैटो की, या एक और हम वेजिटेबल की बात करें ब्रिंजल, एक और वेजिटेबल की बात करें पोटैटो ब्रिंजल या टोमेटो, तो इन सब में अगर हम देखें तो इन सब का एक हम देखेंगे बॉटनिकल नेम। तो पोटैटो की अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं क्या सोलेनम ट्यूबरोसम। अच्छा, दोनों के नीचे अंडरलाइन, और मैंने बताया था कि रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, जीनस ये पहला जो वर्ड है वो जीनस, सेकंड जो होता है वो क्या स्पीसीज, इसमें पहला जो लेटर है वो कैपिटल और इसमें सारे लेटर कैसे होते हैं सारे लेटर जो होते हैं स्मॉल होते हैं, इसका क्या होता है सोलेनम मिलोजीना। तो यहाँ देखिएगा इन दोनों में अगर हम देखें तो जो पहला जो है ये और ये दोनों जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीनस को। अब वो दोनों क्या है, दोनों में जीनस जो है वो क्या है सेम है, मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं कि जो उसका जो जीनस है पोटैटो का और ब्रिंजल का जो जीनस है
तो उसके अंदर जो स्पीसीज है ट्यूबरोसम या वो जो स्पीसीज है और ये जो स्पीसीज है, दोनों में कुछ ऐसे कैरेक्टर जो दोनों में कॉमन है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं और भी एग्जाम्पल की, जैसे अगर हम बात करें लायन की, या अगर हम बात करें लेपर्ड की, या हम बात करें टाइगर की, देखिएगा इन तीनों का जीनस सेम होता है। कैसे? इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है इसको हम कहते हैं पैंथेरो लियो, इसको हम कहते हैं दोनों के नीचे अंडरलाइन पैंथेरो पैराडिस, पैराडस। इसको हम कहते हैं पैंथेरो टाइग्रिस। तो यहां देखिएगा, ये भी जीनस, ये भी जीनस, ये भी जीनस, इन तीनों में जीनस क्या है? इन तीनों का जो जीनस है वो क्या है? पैंथेरो। पैंथेरो जो जीनस है वो तीनों स्पीसीज में क्या है? कॉमन है। तो इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर तीनों में होंगे जो तीनों में क्या होंगे? कॉमन होंगे। तो इसी को टर्म को नाम दिया जाता है क्या? जीनस। अब जो नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं क्या? फैमिली। तो देखिए फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली को भी किसने दिया था? वही साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है? जॉन रे। जॉन रे ने जो है इस टर्म को भी, फैमिली टर्म को भी दिया था। और ये भी जो होता है एक ऐसे ग्रुप को शो करता है जिसके अंदर बहुत कम नंबर में जो है सिमिलरिटीज पाई जाती है अगर हम किसी अदर जीनस और स्पीसीज की बात करें। मतलब एक ऐसा एनिमल जिसका एक जीनस है, जिसका एक ऐसा जिसके अंदर एक स्पीसीज है, अगर हम उसी की तुलना अगर किसी दूसरे एनिमल की बात करें जिसका जीनस और स्पीसीज अलग हो, तो उन दोनों की अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो उसमें कुछ कम सिमिलरिटीज होती है जो किसको शो करता है? फैमिली को। तो हम ऐसे कह सकते हैं फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर्ड जीनस एंड स्पीसीज। मतलब हमने जो जीनस और स्पीसीज की बात की है उसकी तुलना में ये जो है बहुत लेस नंबर में जो है कैरेक्टर जो होते हैं वो सेम दिखते हैं किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के अंदर। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये जो होता है, अच्छा इनमें कैरेक्टराइजेशन कैसे होता है, कैसे ये जो है ये एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उनमें जो होते हैं कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, या कुछ ऐसे वेजिटेटिव कैरेक्टर या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होते हैं, या उनमें फीचर्स पाए जाते हैं जिसपे ये बेस होते हैं। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं फैमिली जो होता है, फैमिली का कैरेक्टराइजेशन कैसे होता है, तो किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब उनमें लीफ कैसा है, रूट कैसा है, फ्लावर कैसे हैं, इन सब के बारे में, और जो रिप्रोडक्टिव फीचर होता है उन दोनों के बेस पे ही उनमें क्या होता है? कैरेक्टराइजेशन होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स।
फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो फैमिली जो कैरेक्टराइज किस बेस पे होता है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बेस पे। वेजिटेटिव का मतलब उनमें लीफ, रूट या स्टेम या फ्लावर कैसे हैं या फ्रूट कैसा है, और रिप्रोडक्टिव फीचर का मतलब किस तरह का रिप्रोडक्शन उनमें पाया जाता है, एसेक्सुअल है तो एसेक्सुअल में कौन सा टाइप या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझें फैमिली, तो जैसे अगर हम बात करते हैं पहले पोटैटो की, तो पोटैटो का अगर हम बात करते हैं तो पोटैटो का जो था एक जीनस था जिसको हम कहते थे सोलेनम। इसी तरह हमने देखा कि ब्रिंजल की बात की, तो ब्रिंजल का भी जो जीनस होता है इसको हम कहते हैं सोलेनम मिलोजिना, तो उसका भी जीनस क्या है सोलेनम। इसी तरह अगर हम बात करते हैं टोमेटो की, उसका भी जीनस होता है सोलेनम, लेकिन उसके स्पीसीज क्या होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें पिट्यूनिया, पिट्यूनिया ये भी एक प्लांट है, पिट्यूनिया भी एक तरह का जीनस, ये देखिएगा धतुरा। अच्छा, इसमें हमने देखा टोमेटो था, टोमेटो, पोटैटो और क्या था ब्रिंजल, ये सभी सोलेनम के थे। धतुरा या तो ये सभी जो हैं, इन सब की अगर हम बात करें तो इन सब का जो एक फैमिली होता है इसको एक फैमिली में रखा गया है सोलेनेसी। तो ये सभी सोलेनेसी की फैमिली है। क्यों है? क्योंकि इनमें कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं या उसी के बेस पे। इसी तरह से एग्जांपल में और भी हम ले सकते हैं, जितने भी फ्लावर हैं उन सभी फ्लावर को जो है एक फैमिली में रखा गया है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रेसी। तो एस्ट्रेसी जो होता है एक लार्जेस्ट फैमिली, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है फ्लावर को रखा गया है या सभी जो फ्लावर हैं इसी के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ये था प्लांट के एग्जांपल में। अगर हम एनिमल के एग्जांपल की बात करें तो एनिमल में अगर हम बात करते हैं पैंथेरो की, पैंथेरो देखिएगा क्या है, पैंथेरो एक तरह का हम कह सकते हैं एक जीनस है, और इसमें अगर हम देखें लायन, टाइगर या लेपर्ड की, तो इन सब का एक फैमिली है जिसको हम कहते हैं फिलिडी। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो फैमिली होता है वो फैमिली में जो है बहुत सारे जो हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिनका जीनस अलग अलग होता है उन सबको इंक्लूड किया जाता है। तो ये था फैमिली के बारे में। अच्छा देखिए, यहाँ पे जब फैमिली टर्म यूज़ होता है, जब फैमिली लिखा जाता है तो यहाँ पे एक सफिक्स यूज किया जाता है। अब बात करते हैं सफिक्स होता क्या है। तो कोई भी वर्ड हो, जब वर्ड के अगर लास्ट में यूज होता है उसको हम कहते हैं सफिक्स, और जब पहले होता है तो उसको हम कहते हैं क्या, प्रीफिक्स। तो जब हम किसी फैमिली को लिखते हैं तो उस फैमिली को लिखने के दौरान एक सफिक यूज होता है, प्लांट के केस में अलग, एनिमल के केस में अलग। तो प्लांट में जो है एक सफिक्स यूज होता है जिसको हम कहते हैं आईडी, सॉरी अगर हम एनिमल की बात करें तो उसमें होता है क्या, आईडी, और अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो उसमें यूज होता है एसी। जैसे अगर हम बात करें सोलेनम की तो सोलेनेसी, और अगर हम बात करें अगर हम किसी एनिमल की बात करें फिलेडी, तो इसमें जो है आई डी ए ई जुड़ता है और इसमें जो है ए सी जुड़ता है। तो ये था किसके बारे में, फैमिली के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं किसको, ऑर्डर को। तो देखिए ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर टर्म को जो है सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था लिनियस। ऑर्डर किसने दिया था, कैरोलस लिनियस। इस टर्म को जो है सबसे पहले
कैरोलस लिनियस ने दिया था। देखिए अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर जो होता है एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक या एक से ज़्यादा फैमिली से रिलेटेड होता है। इसके अलावा उनके अंदर कुछ ऐसी सिमिलरिटीज़ होती हैं या कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिसके जो नंबर की अगर हम बात करें किसी अदर फैमिली और जीनस की तुलना करें तो वो क्या होता है, कम होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं एन ऑर्डर इज ए ग्रुप, एन ऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज that passes some similar correlated characters which possess या विच आर लेसर इन नंबर एज कंपेयर टू जीनस या हम कह सकते हैं फैमिली। तो सीधा सीधा कह सकते हैं ऑर्डर जो होता है एक ऐसा ग्रुप होता है किसी भी रिलेटेड फैमिली का जिसके अंदर जो कैरेक्टर होते हैं या जो सिमिलरिटीज होती है जीनस और फैमिली की तुलना में कम नंबर में होते हैं सिमिलरिटीज, तो इसको हम नाम देते हैं क्या, ऑर्डर। अगर हम एग्जांपल की बात करें जैसे हम कैसे समझ सकते हैं ऑर्डर को, तो अगर हम डिफरेंट फैमिली की बात करते हैं जैसे हमने कुछ प्लांट की फैमिली को अगर हम देखें, जैसे एक प्लांट की फैमिली है कॉर्नवॉलवुलेसी और एक और फैमिली है सोलेनेसी। इन दोनों फैमिली को अगर देखा जाए तो इन दोनों फैमिली में अगर हम बात करते हैं तो इसका एक सिंगल ऑर्डर होता है। तो मैंने अभी बताया कि ऑर्डर जो है एक ऐसा ग्रुप है जो रिलेटेड होता है बहुत सारी फैमिली से, एक फैमिली से या एक से ज़्यादा फैमिली से रिलेटेड होता है। तो ये दोनों फैमिली जो है एक ही ऑर्डर में इंक्लूड किए गए हैं और उस ऑर्डर को हम कहते हैं पॉलीमोनियल्स। तो देखिएगा ऑर्डर जो है, एक ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर के अंदर बहुत सारे जो है फैमिली को इंक्लूड किया गया है और इसमें ऐसे कैरेक्टर जो होते हैं, जैसे अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली और अगर हमने जीनस को देखा था या जनरा को देखा था कि उसमें जो कैरेक्टर थे बहुत सारे सिमिलरिटीज को लगते थे, लेकिन उनकी तुलना में ये लेस नंबर में जो है सिमिलरिटीज को रखते हैं या लेस नंबर में जो है कैरेक्टर होते हैं वो कोरिलेटेड होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसी एनिमल की, तो एनिमल में दो फैमिली है, एक है फिलिडी और एक और फैमिली है कैनिडी। देखिएगा फिलिडी और कैनिडी जो है एक ऑर्डर में इंक्लूड किए गए हैं जिसको हम कहते हैं कॉर्निवोरा। तो फिलिडी और कैनिडी जो है ये दोनों जो है कॉर्निवोरा में इंक्लूड किए गए, और ये क्यों इंक्लूड किए गए हैं, ऑर्डर इनका कॉर्निवोरा क्यों है, क्योंकि कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो दोनों में सिमिलर होते हैं इसी बेस पे, लेकिन बहुत कम कैरेक्टर इनमें सिमिलर होते हैं। इसके अलावा फैमिली अभी हमने देखा कॉर्नवॉलवुलेसी और सोलेनेसी, इनकी अगर हम बात करें तो इनमें भी कुछ कैरेक्टर हैं जिनके बेस पे जो दोनों में सिमिलर होता है उसी के बेस पे इनको एक सिंगल ऑर्डर में रखा गया है जिसको हम कहते हैं पॉलीमोनियल्स। तो अगर हम उस कैरेक्टर की बात करें तो इनमें एक फ्लोरल कैरेक्टर होता है, फ्लोरल कैरेक्टर का मतलब है फ्लावर से, इनका फ्लोरल कैरेक्टर के बेस पे
इन दोनों फैमिली को कॉनवोलवुलेसी को सोलनेसी को पॉलीमोनियल्स में या पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में रखा गया है। अच्छा देखिए यहाँ पे ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर के लिए यहाँ पे एक सफिक्स यूज होता है। सफिक्स का मतलब क्या कि किसी भी ऑर्डर को लिखते हैं तो उसके एंड में जो टर्म आता है उसी को हम नाम देते हैं क्या, सफिक्स। तो इसमें जो सफिक्स यूज होता है वो क्या है, एल्स। एल्स एक सफिक्स यूज होता है किसके लिए, ऑर्डर के लिए। तो ये था ऑर्डर। तो ऑर्डर में हमने देखा क्या है, एक ऐसा ग्रुप है किसी भी फैमिली का जो एक से ज़्यादा फैमिली या एक फैमिली से रिलेटेड होता है, और इसके अलावा इसमें जो कैरेक्टर बहुत कम ही क्या होते हैं, जो एक दूसरे से, एक फैमिली से या दूसरी फैमिली से या जीनस से क्या होते हैं, बहुत ही कम जो है या लेसर नंबर में जो है या सिमिलर होते हैं। तो ये था किसके बारे में, ऑर्डर के बारे में। नेक्स्ट जो कैटेगरी है जिसको हम नाम देते हैं क्या, क्लास। तो क्लास की अगर हम बात करें तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये जो है क्लास जो होता है वो सीधा सीधा रिलेटेड होता है किससे, ऑर्डर से। तो ऐसे हम सिंगल वर्ड में लिख सकते हैं या सिंगल स्टेप में, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। जैसे अगर हम देखें एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझें, जैसे अगर हम बात करते हैं एक ऑर्डर की जिसको हम कहते हैं प्राइमेटा। देखिए प्राइमेटा एक ऑर्डर है, और इस प्राइमेटा के अंदर जो है या इस ऑर्डर के अंदर बहुत सारे जो है एनिमल को रखा गया है। जैसे एग्जांपल में हम देखें जैसे मंकी या गोरिल्ला या गिबन, ये सभी जो हैं ये एक सिंगल ऑर्डर में रखे गए हैं जिसको हम कहते हैं क्या, प्राइमेटा। और इस सभी जो है, इस सभी एनिमल का जो है एक सिंगल क्लास है, और इस सिंगल क्लास की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, मैमेलिया। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो ये जो है मैमेलिया क्या है, एक तरह का क्लास है। तो ये सीधा सीधा किससे रिलेटेड था, ऑर्डर से। इसी तरह एग्जांपल एक और हम बात करते हैं, जैसे एक और ऑर्डर है जिसको हम कहते हैं कॉर्निवोरा। तो कॉर्निवोरा की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ एनिमल है जैसे टाइगर, कैट और क्या है, डॉग। इन सब का एक सिंगल क्या है, क्लास है, और उस क्लास को हम नाम देते हैं क्या, मैमेलिया। तो यहाँ पे मैमेलिया क्या है, एक क्लास। देखिए इस तरह से जो है बहुत सारे क्लास होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल को इंक्लूड किया जाता है, और ये जो क्लास है ये सीधा सीधा एक ऐसा ग्रुप है जिससे, जो किससे रिलेटेड होता है, ऑर्डर से। तो कुछ और भी क्लास की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे अगर हम बात करते हैं फिशेस। फिशेस जो है एक तरह का क्लास है जिसमें सभी फिशेस को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस जो होते हैं ये भी एक तरह का क्लास है, और एक ऐसा क्लास है जिसमें उन एनिमल को इंक्लूड किया गया है जो एक्वाटिक के साथ साथ टेरिस्ट्रियल भी होते हैं। मतलब ऐसे एनिमल जो जमीन पे भी रहते हैं और साथ साथ जो है वाटर के अंदर भी रहते हैं। तो ये दोनों कैरेक्टर वाले एनिमल को कहाँ रखा गया है, एम्फीबियंस में, या इनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। नेक्स्ट होता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स भी क्या है, एक क्लास है जिसमें उन एनिमल्स को रखा गया है जो रेंग के चलते हैं, जैसे स्नेक है, इसके अलावा स्नेक के अलावा क्रोकोडाइल्स, ये सभी लिजार्ड, ये सभी कहाँ हैं आपके, रेप्टाइल्स में। और इसी तरह नेक्स्ट जो होता है इसको हम कहते हैं क्या, बर्ड्स। इसमें सभी बर्ड्स को रखे गए हैं, सभी बर्ड्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और नेक्स्ट जो क्लास होता है इसको हम कहते हैं मैमल्स या मैमेलिया, और मैमल्स में उन एनिमल को रखा गया है जो किसी चाइल्ड को बर्थ करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के क्लास हैं
और ये सभी क्लास जो हैं ये रिलेटेड होते हैं किसी ना किसी ऑर्डर से। अब जो है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है जिसको हम कहते हैं फाइलम या डिवीजन। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये जो टर्म आता है फाइलम या जिसको हम डिवीजन कहते हैं, ये जो अदर कैटेगरी था जैसे ऑर्डर या इसके अलावा जो क्लास हमने पढ़ा या जीनस जो पढ़ा या जो फैमिली या जो स्पीसीज हमने पढ़ी, उनकी तुलना में ये सबसे हायर कैटेगरी होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, फाइलम या इसी को हम नाम देते हैं क्या, डिवीजन। तो जो फाइलम या जो डिवीजन होता है, अगर हम इस टर्म की बात करें तो इस टर्म को देने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कुवियर। एक थे कुवियर और एक थे क्या, इकलर या इकलर, कुवियर एंड इकलर। इन दोनों ने जो है इस टर्म को दिया था फाइलम और डिवीजन। और जैसा कि मैंने बताया था, फाइलम जो वर्ड है वो यूज होता है किसके लिए, एनिमल्स के लिए, और डिवीजन जो वर्ड है वो यूज होता है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। और इसमें अगर हम बात करते हैं फाइलम या डिवीजन की, तो ये जो होता है ये सबसे हायर कैटेगरी होती है या नेक्स्ट हायर कैटेगरी होती है किसकी तुलना में, जो हमने क्लास की बात की, जो ऑर्डर की बात की, जो फैमिली की बात की या जो जीनस और स्पीशीज की बात की, तो उसकी तुलना में सबसे हायर कैटेगरी जो है जिसको हम नाम देते हैं क्या, फाइलम या डिवीजन। तो हम ऐसे कह सकते हैं इट इज ए नेक्स्ट हायर कैटेगरी देन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पीसीज। इसके अलावा ये भी जो है ये इससे छोटा वाला जो कैटेगरी है जिसको हम नाम लेते हैं क्लास, ये उससे रिलेटेड होता है। हम ऐसे कह सकते हैं इट इज आल्सो रिलेटेड विथ क्लास। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझें कैसे, तो देखिएगा अगर हम डिफरेंट क्लास की अगर हम बात करें, डिफरेंट क्लास में अगर हम देखें, तो जैसे इसमें हमने देखा क्या, मैमल्स, या हम बात करते हैं फिशेस की, या हम बात करते हैं बर्ड्स की, या हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की, या हम बात करते हैं एम्फीबियंस की। ये सभी जो है एक क्लास है और इन सभी क्लास में जो है अलग अलग या डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है, और इन सब का जो है एक सिंगल ये, अच्छा देखिएगा ये सभी क्या है, ये सभी एनिमल है, तो एनिमल के लिए क्या टर्म यूज होता है, फाइलम। तो इनका एक सिंगल फाइलम होता है और उस फाइलम को हम नाम देते हैं क्या, कॉर्डेटा। तो ये कुछ कैरेक्टर के बेस पे इनको एक सिंगल जो है सिंगल फाइलम में रखा गया है, क्योंकि फाइलम जो होता है वो रिलेटेड होता है क्लास। तो इन इस क्लास के एनिमल में कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो सभी में कॉमन होते हैं, जो सभी में पाए जाते हैं, और उसी कैरेक्टर के बेस पे इनको जो है एक सिंगल फाइलम में रखा जाता है जिसको हम कॉर्डेटा कहते हैं। अच्छा अब उसमें कॉमन फीचर्स या उस कैरेक्टर की बात करते हैं, तो कौन से कैरेक्टर इन सब में कॉमन होते हैं जिसकी वजह से इनको कहाँ रखा गया है, कॉर्डेटा की। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें जो पहला कैरेक्टर होता है जिसको हम कहते हैं क्या, नोटोकॉर्ड। इसके अलावा डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम।
तो ये सभी चीजें नोटोकॉर्ड, डॉर्सल होलो, न्यूरल सिस्टम, ये जो दोनों पार्ट हैं, ये सभी इन सभी क्लास में, चाहे वो मैमल्स हो, चाहे फिशेस हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे रेप्टाइल्स हो, चाहे एम्फीबियंस हो, इन सब में कॉमन होते हैं। इसीलिए इनको एक सिंगल क्लास में, सॉरी सिंगल फाइलम में रखा गया है, और उस सिंगल फाइलम को हम नाम देते हैं क्या, कार्डेटा। इसी तरह से हम जो है, हम किसी प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं, तो प्लांट्स को भी जो है हम इसी तरह से हम देख सकते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं किंगडम। और जो किंगडम की अगर हम बात करें, तो ये जो होता है, ये पूरे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे हायर कैटेगरी होता है। तो दो हमने देखा, एक लोवेस्ट और एक हायर। लोवेस्ट की अगर हम बात करें, तो उसको हमने नाम दिया था स्पीसीज, और हायर कैटेगरी की बात करें, तो उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं किंगडम। तो किंगडम जो होता है किसी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का, सबसे हायर कैटेगरी होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या, किंगडम जो लास्ट कैटेगरी है, किंगडम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किंगडम की, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे हायर कैटेगरी होता है किंगडम। इस तरह से कह सकते हैं इसको, इट इज नोन टू बी द हायर कैटेगरी इन टैक्सोनॉमी। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो इसमें जो होते हैं, इसमें ऑर्गेनिज्म को जो है, जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं अर्थ पे, उन सभी ऑर्गेनिज्म को जो है डिफरेंट किंगडम में रखा जाता है। तो किंगडम की अगर हम बात करें, तो किंगडम जो है अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू अलग अलग दिया गया। अब जैसे जैसे डिस्कवरी होती रही, वैसे वैसे किंगडम जो है, किंगडम्स के नंबर इंक्रीज होते रहे। स्टार्टिंग में 2 किंगडम बताया गया कि जो भी अर्थ पे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको केवल 2 ही किंगडम में रखा जाए। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने 3 किंगडम दिया। फिर तीसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने 4 किंगडम दिया। फिर चौथे साइंटिस्ट आए, उन्होंने 5 किंगडम दिया। तो अभी तक हम पढ़ते हैं कितने किंगडम हैं, 5 किंगडम। जिसमें से अगर हम बात करें कौन कौन से किंगडम हैं, इसको हम देखें, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको वेरियस किंगडम में रखा जाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म आर डिवाइड्स इनटू वेरियस किंगडम्स। ऑर्गेनिज्म आर डिवाइड्स इनटू वेरियस किंगडम अभी हम 5 किंगडम पढ़ते हैं। तो ये 5 किंगडम कौन कौन से हैं, देखिएगा। पहला जो किंगडम होता है इसको हम कहते हैं मोनेरा। दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं क्या, प्रोटिस्टा। तीसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं क्या, प्लांटी। और चौथा जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, एनिमेलिया। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इन सभी ऑर्गेनिज्म को, सॉरी एक और है जिसको हम कहते हैं क्या, फंजाई। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी ऑर्गेनिज्म को इन्हीं 5 जो है किंगडम में इंक्लूड किया गया है या रखा गया है। तो ये सभी क्या है, किंगडम। और इस किंगडम में जैसे अगर हम देखें, तो इसमें बैक्टीरिया को रखा गया है, या इसके अंदर जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, या माइकोप्लाज्मा, इसी को हम नाम देते हैं पीपीएलओ, इन सबको इंक्लूड किया गया है। इसमें जो है, इसमें प्रोटोजोआ को रखे गया है, और भी सारे एनिमल हैं। और प्लांटी में सभी तरह के प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है। जैसे अगर हम बात करें, तो जैसे इसमें सबसे पहला प्लांट देखिएगा एल्गी, इसके अलावा टेरिडोफाइट, इसके अलावा जिम्नोस्पर्म, और फिर एंजियोस्पर्म,
ये सभी ETC सभी जो है इंक्लूड किए गए हैं कहाँ पे, प्लांटी में। और एनिमेलिया में क्या है, तो एनिमेलिया में जितने भी फाइलम हैं, चाहे वो फाइलम की अगर हम बात करें तो चाहे वो कॉर्डेटा हो, चाहे वो सिलेंट्रेटा हो, चाहे वो इकाइनोडर्मेटा हो, चाहे वो ब्लैटी हेलमेंथेज हो, चाहे वो एस्की हेलमेंथेज हो, चाहे वो मोलस्का हो, चाहे वो अर्थोपोडा हो, और भी हैं बहुत सारे फाइलम हैं, उन सबको कहाँ रखा गया है, एनिमिलिया में। और फंजाई की अगर हम बात करें तो इसमें किसको इंक्लूड किया गया है, फंगस को। तो इस तरह से जो है डिफरेंट टाइप के किंगडम होते हैं। तो स्टार्टिंग में दो ही किंगडम बताए गए थे, पहला जो किंगडम था जिसको हम नाम देते हैं क्या, प्लांटी, और दूसरा जो किंगडम है उसको हम नाम देते हैं क्या, एनिमेलिया। इस तरह से ये जो है किंगडम होते हैं। तो किंगडम जो होता है वो सबसे हायर कैटेगरी होती है, और बहुत सारे किंगडम को दिया गया है, और उन सभी किंगडम में बहुत सारे ऑर्गेनिज को क्या किया गया है, डिवाइड्स किया गया है। और ये सारे किंगडम जो होते हैं, ये सारे किंगडम रिलेटेड होते हैं किससे, फाइलम से अगर हम एनिमल की बात करें, या फिर डिवीजन से अगर हम प्लांट की बात करें। तो ये होता है किंगडम। अब देखिए यहाँ पे एक और टर्म आता है जिसको हम नाम देते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी। इंटरमीडिएट कैटेगरी क्या होता है कि जब हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी लिखते हैं तो उस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में ही एक और कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी। जैसे हमने देखा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कितनी थी, 7 थी। अब वो 7 कौन कौन से टैक्सोनॉमिक कैटेगरी थी, इसकी अगर हम इसको हम अगर देखें तो सबसे पहले जो कैटेगरी थी जिसको हम नाम दिए थे क्या, किंगडम। फिर हमने नाम दिया था क्या, फाइलम। या प्लांट की अगर हम बात करें तो उसको हमने नाम दिया था क्या, डिवीजन। फिर उसके बाद था क्या, क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, और फिर क्या था, स्पीसीज। तो ये इतने सारे जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी थे। अब इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में कुछ और भी कैटेगरी को जो है लिखा गया है या दिया गया है, और उस कैटेगरी को हम कहते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी। और उस इंटरमीडिएट कैटेगरी को जो है वो जो हमने ये जो कैटेगरी हम देख रहे हैं उससे छोटी कैटेगरी होती है। जैसे अगर हम बात करें फाइलम की तो एक और इंटरमीडिएट कैटेगरी दिया गया है जिसको हम नाम देते हैं क्या, सब फाइलम। इसी तरह अगर हम बात करते हैं क्लास की तो एक और छोटा कैटेगरी दिया गया है, सब क्लास। इसी तरह ऑर्डर की बात करें तो एक और ऑर्डर दिया गया है, सब ऑर्डर। इसी तरह अगर हम फैमिली की बात करें तो एक और दिया गया है, सब फैमिली। जीनस की बात करें एक और होता है, सब जीनस। स्पीशीज की बात करें तो एक और होता है जिसको हम कहते हैं क्या, सब स्पीशीज। तो ये जो है सब फाइलम, सब क्लास, सब ऑर्डर, सब फैमिली, सब जीनस और सब स्पीशीज, इन्हीं सबको हम नाम देते हैं क्या, इंटरमीडिएट कैटेगरीज। तो ये दिए क्यों जाते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये सीधा सीधा जो है ये और भी जो है जो क्लासिफिकेशन है उसको और आसान बनाने के लिए जो है इन इंटरमीडिएट कैटेगरी को दिया गया। ये टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है। अब देखिए अब जो है समाप्त करने से पहले एक छोटा सा हम टेबल देखते हैं जो आपके NCERT बुक में दिया है। और वो जो ये जो टेबल है, ये टेबल में आप देखोगे कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उसके डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं। तो कौन कौन से टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं उसकी अगर हम बात करें तो आप जैसे कि इस स्क्रीन पे देख सकते हो, इसमें दिया क्या है कि कुछ कॉमन नेम दिए हैं, और उस कॉमन नेम में जो है कुछ बायोलॉजिकल नेम भी हैं, और उस बायोलॉजिकल नेम के कुछ जीनस हैं, कुछ फैमिली है, कुछ ऑर्डर है, कुछ क्लास है, कुछ फाइलम है या डिवीजन है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम पहले कॉमन नेम की बात करते हैं, जो पहला बायोलॉजिकल नेम को हम साइंटिफिक नेम भी कहते हैं, जो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है।
तो कॉमन नेम में देखिए सबसे पहले दिख रहा है मैन। मैन की अगर हम बात करें तो मैन का जो बायोलॉजिकल नेम होता है उसको हम कहते हैं होमोसेपियंस, और इसका एक जीनस है और इस जीनस की एक फैमिली भी है। तो इसका जो जीनस है वो क्या है, होमो। अच्छा, यहाँ पे सेपियंस जो है वो क्या है, एक स्पीसीज है। और यहाँ पे फैमिली की अगर हम बात करें तो इसका जो फैमिली होता है, मैन की जो फैमिली है क्या है, होमिनिडी। इसके अलावा इसका आर्डर प्राइमेटा, और क्लास क्या है, मैमेलिया, और इसका फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। फाइलम वर्ड क्यों लिया है, क्योंकि ये क्या है, एनिमल है। अगर यहाँ पे कोई प्लांट होता तो उसके लिए हम क्या यूज करते, डिविजन। नेक्स्ट अगर हम कॉमन नेम की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं हाउस फ्लाई, इसका बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका। जीनस क्या है, मस्का, और फैमिली क्या है, मस्सीडी या मस्सीडी। और ऑर्डर की अगर हम बात करें डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, और इसके फाइलम की बात करें अर्थोपोडा। तो ये है, ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है किस ऑर्गेनिज्म की, हाउस फ्लाई की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मैंगो की, तो मैंगो का जो बायोलॉजिकल नेम या बॉटेनिकल नेम होता है या साइंटिफिक जो नेम होता है उसको हम कहते हैं मैंगिफेरांडिका। इसका जीनस मैंगीफेरा, स्पीसीज क्या होता है, इंडिका। फैमिली क्या है, एनाकार्डियेसी। ऑर्डर क्या है, सेपिनिडेल्स। क्लास क्या है, डाइकोटिलिडिनी। और फाइलम क्या, सॉरी, जीनस, डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्म। ये एक एंजियोस्पर्म प्लांट है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट जो कॉमन नेम है वो क्या है, वीट। वीट का बॉटनिकल नेम क्या होता है, ट्रेटिकम एस्टियम। जीनस क्या है, ट्रेटिकम। फैमिली क्या है, पोएसी। ऑर्डर क्या है, पोएल्स। इसके अलावा क्लास क्या है, मोनोकोटिलेडनी। और इसका डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्म। इस तरह से ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी था। तो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। और अभी ये जो चैप्टर है ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ, अभी ये लास्ट पार्ट बचा है। तो ये पार्ट टू था, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 3, जिसमें ये चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर जो है, जो 11 का चैप्टर है, वो समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।